लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, सभी जगह कांग्रेस के प्रति लोगों में है उत्साह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 173 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। भाजपा के झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़, दौसा से जसकोर मीणा, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल ने भरा नामांकन। कांग्रेस के अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह, चूरू से रफीक मंडेलिया ने भरा नामांकन। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुस्तैदी से काम करने के दिए निर्देश। चूरू जिले में रतनगढ़ के पास मेगा हाईवे पर पड़ीहारा भोजासर के बीच सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु, 2 महिलाओं सहित 21 अन्य लोग घायल। और देश और प्रदेश भर में गुड फ्राइडे आज पारंपरिक श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। साथ ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है हनुमान जयंती। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सिंह देवल और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के चुनाव सह प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कल विशेष जनसंपर्क अभियान में कहा कि इस संपर्क अभियान के तहत पूरे राजस्थान में शिक्षा, व्यवसाय, पेशेवर कला, साहित्य और सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रबुद्ध जनों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देश एक निर्णायक मोड़ पर बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में है, जहां भारत प्रगति के एक महापथ पर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उसी संदर्भ में पार्टी के भिन्न भिन्न कार्यक्रम हैं। यहाँ पर विशेष संपर्क अभियान, जिसमें कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से, उनके स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आते हैं। उसी संदर्भ में आज यहाँ जात पात में बांटने की एक सीमा होनी चाहिए कि अंग्रेज़ों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बीकानेर में कांग्रेस प्रत्याशी मदन मेघवाल के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी जगह कांग्रेस के प्रति लोगों में उत्साह है और जनता अब धीरे धीरे केंद्र सरकार को समझ गई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। जो समस्याएं पहले हल हो गई है, कुछ दिक्कत आ गई है, हमारी तरफ से कोई कमी आएगी नहीं और बीकानेर चौपुर के विकास करने में सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। आपको दुर्भाग्य से रेलवे का पहले हमने मुद्दा उठाया था, जब पहली बार मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना, तब से हम लोग लगे रहे कि रेलवे फाटक शहर में बहुत देते, बार बार विकास रुका हुआ है। पर जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी 2003 के अंदर, वो योजनाएँ बंद हो गई, पता नहीं उसका क्या हुआ। हमारी सोच ये है कि कैसे हम विकास में आगे बढ़े। सरकार बदले में कर्जे माफ़ किए, और जो बैंकों में कर्जे हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के, और जो भर नहीं पाए हैं उनके लिए हमने कहा है कि हम बातचीत चल रही है, चुनाव के बाद में उन बैंकों के कर्जे हम लोग माफ़ करा देंगे। ये मैंने मैंने कहा, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव देश के सामने जो गंभीर चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे करना है, इस बात का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर जो निर्णय लिया है, जो उम्मीदवार आपको दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। मेरा आपसे गर्वित निवेदन है साथियों, जिस प्रकार पूरे प्रदेश और जिले के आसपास के सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनी 3 महीने पहले, आज ठीक उसी तरह आप सबके आशीर्वाद और मत का हमको बहुत आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने जहां 12 उम्मीदवार ऐसे उतारे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि भाजपा ने केवल 7 नए चेहरों पर भरोसा दिखाया है। इस बार 4 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार पहले भी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि शेष 21 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार पहली बार आमने सामने हैं।
भरतपुर अजमेर और राजसमंद में दोनों ही पार्टियों के नए चेहरे हैं। बीकानेर सीट ऐसी है जहां पूर्व आईएएस अधिकारी अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी मदन गोपाल मेघवाल एक दूसरे के सामने हैं। राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के लिए कल नामांकन के आखिरी दिन 12 लोकसभा सीटों के लिए 173 उम्मीदवारों ने 229 नामांकन पत्र दाखिल किए। सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र जयपुर में 34 उम्मीदवारों ने 41 नामांकन पत्र भरे। वहीं सबसे कम करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 उम्मीदवारों ने 8 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कल नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने कल अलवर लोकसभा क्षेत्र में 4 नामांकन पत्र भरे। वहीं उनकी पत्नी अंबिका सिंह ने 2 नामांकन पत्र भरे। नामांकन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम रुके हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराना होगा। खुद चुनाव लड़ रही है, इस तरह का एक माहौल बन चुका है अलवर के साथ। पिछले 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी ठगी हुई है अलवर के साथ। इस तरह का सौतेला व्यवहार वर्तमान और पिछली भाजपा सरकार राज्य में जो हुआ है उससे जनता बहुत नाराज है। बीकानेर में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। अर्जुन राम जी का फॉर्म आज भरा है और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से हमारी इस बार विजय होगी और देश भर में बीजेपी के पहले 282 आए थे, इस बार 300 के पार होंगे और एनडीए के मिलकर 2/3 बहुमत होगा, तो एक जबरदस्त विजय के तरफ हम जा रहे हैं। मैंने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है और जैसे लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं ये मानता हूँ कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जो चुनाव में माहौल में जिस तरह से तेजी आएगी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जोश है जनता में, जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार लगातार मुझे जिताने के लिए तैयार है, मन बना चुकी है। आम आदमी पार्टी राजस्थान के पदाधिकारियों का 30 अप्रैल को दिल्ली में सम्मेलन होगा। वहीं राजस्थान से करीब 1000 कार्यकर्ता दिल्ली में प्रचार के लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेस से रूबरू होते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ अन्य दलों के मजबूत प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद चुनाव के बाद हम सांगठनिक मजबूती के लिए बहुत सारे कदम उठाने जा रहे हैं। एक तो हम लोग सदस्यता अभियान शुरू करेंगे, हमारे संगठन का ढांचा 75% स्टेज में हम लोग बना चुके हैं और जो संगठन के मेंबरशिप और चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करेगा, तो उसके बाद जब हमारे संगठन के चुनाव कंप्लीट होंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान में जो पंचायती चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम, उसके स्तर पे पूरी तरह से तैयारी कर रही है और हम एक नई ताकत के रूप में आप लोगों के सामने आएंगे, ये हमको बताना था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव से संबंधित तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने मतदान दिवस पर फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा अधिकृत 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को लेकर आमजन को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्रों में आम चुनाव के लिए सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। आमजन अपनी परिवेदनाएं इन पर्यवेक्षकों को प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हनुमानगढ़ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान के लिए निर्भीक होकर वोट डालने के लिए जागरूक करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल हनुमानगढ़ जंक्शन से टाउन पुलिस द्वारा फ्लैगशिप मार्च निकाला गया। साथ ही स्वीप कार्यक्रम के नवाचार के तहत महिला संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें गीत संगीत और रंगोली कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया गया है। गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है जिससे लोकसभा में महिला मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी हो। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र में और साथ में लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चूरू जिले में रतनगढ़ के पास मेगा हाईवे पर पड़ीहारा भोजासर के बीच सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 महिलाओं सहित 21 अन्य लोग घायल हो गए हैं। निजी बस और पिकअप कार के बीच हुई भिड़ंत में बीदासर निवासी पिता पुत्र सहित शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे राजस्थान की 2 अहम लोकसभा सीटों अजमेर और भीलवाड़ा। अब शहर में जो बार बार ट्रैफिक जाम होता है उसको लेके बार बार प्रदर्शन की स्थिति बनती है, बाजार बंद हो जाते हैं, व्यापारी आंदोलन कर चुके हैं। जीएसटी का सरलीकरण जितना बार भी किया गया है निश्चित रूप से उन समस्याओं को उठाने में भीलवाड़ा के उद्यमी ही अव्वल रहे। चूरू जिले में रतनगढ़ के पास मेगा हाईवे पर पड़ीहारा भोजासर के बीच सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 महिलाओं सहित 21 अन्य लोग घायल हो गए हैं। निजी बस और पिकअप कार के बीच हुई भिड़ंत में बीदासर निवासी पिता पुत्र सहित 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को चूरू जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ियारा वाले रास्ते पर एक जो पिकअप गाड़ी जिसमें डीजे साउंड लगा हुआ था वो और लोक परिवहन की जो बस है उसके बीच में टक्कर हुई है। टक्कर में जो है 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें 6 लोगों को रेफर किया गया है और अभी जो लोग यहां पर एडमिट हैं उनको अभी डॉक्टर साहब से पीएमओ साहब से बात हुई, वो सभी लोग उनको जो है प्राथमिक उपचार हो गया और उनको खतरे से बाहर बता रहे हैं। गुड फ्राइडे के अवसर पर आज देश भर में गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। बड़ी संख्या में ईसाई धर्म के अनुयायी प्रभु यीशु की याद में प्रार्थना कर रहे हैं। इसी दिन प्रेम और क्षमा की प्रेरणा देने वाले ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए ईसाई धर्मावलंबी इस दिन को प्राश्चित और प्रार्थना के दिन के रूप में मनाते हैं। राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती के इस अवसर पर जयपुर में खोले के हनुमान जी मंदिर को रंग बिरंगी चिताकर्षक रोशनी से सजाया गया है। हनुमान जी के नैनाभिराम श्रृंगार के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज भोर से ही शहर के विभिन्न स्थानों से निकाली हनुमत पदयात्राएं खोले के हनुमान जी मंदिर पहुँच रही हैं। पदयात्राओं में श्रद्धालु हाथों में ध्वज लिए रामधुनि गाते चल रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा सभी जगह कांग्रेस के प्रति लोगों में है उत्साह।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 173 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। भाजपा के झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़, दौसा से जसकोर मीणा, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल ने भरा नामांकन। कांग्रेस के अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह, चूरू से रफीक मंडेलिया ने भरा नामांकन। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने के दिए निर्देश। चूरू जिले में रतनगढ़ के पास मेगा हाईवे पर पड़िहारा भोजासर के बीच सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु, 2 महिलाओं सहित 21 अन्य लोग घायल। और देश और प्रदेश भर में गुड फ्राइडे आज पारंपरिक श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है, साथ ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है हनुमान जयंती। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।